नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग पेज मेकर और फोटो से। यहाँ देख सकते हैं कि निधि पांडे जी ने कमेंट किया है कि सर फुल साइज फ़ोटो कैसे बनाएं पेज मेकर में। तो सबसे पहले निधि पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया और आप जानना चाहते हैं कि फुल साइज़ फ़ोटो आप पेज मेकर में बनाना चाहते हैं। तो देखिए, पेज मेकर में आप फुल साइज़ फ़ोटो तो बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप फ़ोटोशॉप में फुल साइज़ फ़ोटो बनाएँ, क्योंकि पेज मेकर में अगर आप फुल साइज़ फ़ोटो अगर बनाते हैं तो आप उसको रीटचिंग नहीं कर पाइएगा, ब्राइटनेस कंट्रास्ट नहीं बढ़ा पाइएगा, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप पेज मेकर में नहीं कर पाइएगा। लेकिन फिर भी अगर आप पेज मेकर के अंदर फुल साइज़ फ़ोटो बनाना है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाएंगे। मतलब बहुत सारे लिमिटेशन है पेज मेकर के अंदर, तो चलिए देखते हैं पेज मेकर में फुल साइज़ फ़ोटो कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मेरा एडोबी पेज मेकर 7.0 खुला हुआ है और जैसा आपने कमेंट किया है इसमें मुझे फुल साइज़ फ़ोटो बनाना है। तो देखिए, अलग अलग साइजेस फुल साइज़ के फ़ोटो होते हैं, जो ज़्यादातर चलते हैं साइजेस वो हैं 8x10 इंचेस का। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है 8x10 का चौड़ाई होना चाहिए आपका 8 इंचेस का, हाइट होना चाहिए 10 इंचेस का। दूसरा जो है वो है चौड़ाई होना चाहिए 10 इंचेस x12 इंच का, मतलब चौड़ाई जिसको बोलते हैं, ये W मतलब वो है चौड़ाई और हाइट मतलब लंबाई। तो 10x12 का भी होता है और एक 8x10 का भी होता है। कुछ कुछ फ़ोटो 8x10 का होता है और कुछ होता है आपका 10x12 का होता है। तो आप जैसा आपको अच्छा लगे यहाँ से साइज़ आप ले सकते हैं। तो फ़िलहाल हम लोग सीखेंगे 8x10 का साइज़ लेकर फुल साइज़ फ़ोटो बनाना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो काम करना होता है वो है आपको फ़ाइल में जाना होता है, फिर न्यू में क्लिक करेंगे। अब डॉक्यूमेंट सेटअप में अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे जो साइज़ मैंने अभी आपको रिकमेंड किया है तो यहाँ से आपको साइज़ मिलेगा नहीं, यहाँ पे आपको साइज़ नहीं मिलेगा, तो आपका खुद का साइज़ आपको लेना पड़ता है। तो इसको आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा इस तरह, तो यहाँ पे देखिएगा कस्टम, कस्टम में क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है डायमेंशन, मतलब ये 8, ये पहले वाला यहाँ पे आपका चौड़ाई है और ये आपका हाइट है। तो चौड़ाई जैसा मैंने कहा आपको 8x10 का हमें बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग 8 लिखेंगे और यहाँ पे 8 लिख दिया, 8 टाइप कर दिया। उसके बाद ये जो 11 है यहाँ पे हमें 10 टाइप करना है इस बॉक्स में, 10 का मतलब 8x10 का फुल साइज़। नॉर्मली ये बहुत कॉमन साइज़ है फुल साइज़ का, तो 8x10 का मैंने साइज़ ले लिया इंचेस में। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे, जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे जो पेज इस तरह दिख रहा है थोड़ा सा साइज़ अलग दिखेगा। ये देखिए, मैंने ओके पे क्लिक कर दिया, अब देखिए साइज़ कुछ इस तरह आपको दिख रहा है। अब सवाल उठता है फ़ोटो लेकर आते हैं, फ़ोटो आप कैसे लेकर आते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जिस फ़ोटो को आपको फुल साइज़ बनाना है। तो यहाँ आप जो मेन्यू बार है यहाँ पे फाइल में जाइएगा, फाइल में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे प्लेस का ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये कंट्रोल डी शॉर्टकट दिया हुआ है, तो प्लेस में क्लिक कीजिए, यहाँ पे प्लेस का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब जिस जगह भी अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या पीसी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी आपने वो फ़ोटो रखा है, ये लुक इन का जो बॉक्स है यहाँ से उसे आप ला सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये डेस्कटॉप पे ही मेरे कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पे डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के यहाँ पे बाकी जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे एक फोल्डर है फॉर राउंडेड फ़ोटो, इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे फ़ोटोज़ आपको दिख रहे होंगे। अब जो भी फ़ोटो आपको बनाना है, तो यहाँ पे एक फ़ोटो है यहाँ अंश नाम से, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद ओपन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा बड़ा साइज है, यहाँ पे देखिए इम्पोर्टिंग हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे पूछ रहा है एडोबी पेज मेकर लिंक लाइकवुड, इसे यस कर देते हैं। अब एक बॉक्स आ गया, बॉक्स आएगा उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्लिक करके इस तरह ड्रैग कर देंगे जितना का पेज है। ये देखिए फ़ोटो आ चुका है, लेकिन सवाल ये उठता है, ये फ़ोटो को अगर ध्यान से आप देखिएगा, जब भी पेज मेकर में कोई फ़ोटो वगैरह लेकर आते हैं तो उसका क्वालिटी कुछ सही नहीं दिखता है। इसीलिए मैंने आपको बिगनिंग में ही बोला था कि फ़ोटोशॉप आप यूज़ कीजिए फुल साइज़ फ़ोटो बनाने के लिए, लेकिन आपने कहा है कि पेज मेकर में ही बनाना है। तो चलिए फिर भी इसको सही करेंगे, इस फ़ोटो का क्वालिटी अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सही नहीं लग रहा है। पेज मेकर में जब भी कोई फ़ोटो लेकर आते हैं तो कुछ सही नहीं दिखता है, तो वो तब क्या करेंगे फ़ोटो को, अगर फ़ोटो आपका ऐसे नॉर्मली सही है लेकिन पेज मेकर में लाने के बाद देखिए कैसा अजीब सा फ़ोटो, थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिख रहा है फ़ोटो, तो इसको सही कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए आप फ़ाइल में जाइएगा, देखिए मैं फ़ाइल में जाता हूँ,
और उसके बाद यहाँ पे देखिए, पहले देख लीजिए आप ये फ़ोटो को, ध्यान से देख लीजिए कैसा थोड़ा सा धुंधलापन इसमें दिख रहा होगा आपको। यहाँ फाइल में जाइए, उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो को सिलेक्टेड रहने देते हैं, फ़ोटो को पिक टूल से क्लिक करते हैं, जो फ़ोटो लेकर आए हैं इसे, यहाँ पे डॉट डॉट दिख रहा है, इसका मतलब ये सिलेक्टेड है। उसके बाद फाइल में जाइएगा, जाने के बाद नीचे आइए, यहाँ पे नीचे आइए, यहाँ पे देखिए प्रिफ्रेंस है, प्रिफ्रेंस के जनरल में क्लिक कीजिएगा, कंट्रोल के शॉर्टकट भी दिया है इसमें, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप ध्यान से देखिएगा, प्रिफ्रेंस का इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला जो आएगा प्रिफ्रेंस में, यहाँ पे मेजरमेंट है, यहाँ पे देखिए ग्राफिक डिस्प्ले दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ग्रे आउट है, स्टैंडर्ड है, और यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन, तो यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन आपको क्लिक करना होगा। ये जो रेडियो बटन हाई रेजोल्यूशन के बगल में, इसको आप देखिएगा, पहले स्टैंडर्ड रहता है, इसको आपको हाई रेजोल्यूशन करना होगा। उसके बाद मोर में जाइएगा, यहाँ पे ओके कैंसिल मोर लिखा है, मोर में जाइए। मोर में जाने के बाद मोर प्रिफ्रेंस का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, और यहाँ देखिए ग्राफिक्स, यहाँ स्टोरी एडिटर के ठीक नीचे ग्राफिक्स लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए डिफाइन स्टैंडर्ड डिस्प्ले, यहाँ पे साइज है, यह अभी ऑन है, आपको रिजोल्यूशन, ये जो है रिजोल्यूशन, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे अगर 100% नहीं है, अगर 50% है, तो इसको 100% कीजिएगा, याद रखिएगा 100% करना है आपको। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे देखिएगा हाई रेजोल्यूशन होना चाहिए प्रेफरेंस में, उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए फिर दोबारा देखिए मेरा फ़ोटो, देखिए फिर से ये देखिए, अब देखिए फ़ोटो का क्वालिटी पहले से बेहतर हो चुका है। अब सवाल उठता है, थोड़ा सा हम लोग पेज को थोड़ा छोटा कर देते हैं, राइट क्लिक करके इसको फिट इन विंडो करते हैं। ये देखिए फ़ोटो अब क्वालिटी आपको सही दिखेगा, ये आ चुका है फ़ोटो। अब इसमें बहुत सारा चीज़ें ऐसी हैं, जैसे इस पर अगर क्लिक करता हूँ, तो अगर आप चाहिएगा इसको थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा करना है, कम करना, तो इसमें पॉसिबल नहीं होगा। तो जो जैसा है फ़ोटो ऐसा आ चुका है। अब सवाल उठता है इसमें बॉर्डर हमें देना है, एक बॉर्डर, अच्छा सा बॉर्डर इसमें अगर हमें ऐड करना है, तो इसमें बॉर्डर हम लोग ऐड करेंगे। तो बॉर्डर कैसे देते हैं, सिंपल है। तो यहाँ पे आप ये जो टूल बॉक्स है, यहाँ पे जो रेक्टेंगल टूल आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद नॉर्मल से इस तरह एक बॉर्डर आप इस तरह ड्रॉ कर दीजिए, फ़ोटो के किनारे किनारे इस तरह बॉर्डर आप ड्रॉ कर दीजिए। ये देखिए एक लाइन आ गया, पतला सा आपको लाइन दिख रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। उसके बाद एलिमेंट में जाइएगा, यहाँ पे स्ट्रोक है, स्ट्रोक पे क्लिक कीजिएगा, जैसा आपको बॉर्डर यहाँ से आपको चाहिए, जैसे ये चाहिए तो आप क्लिक कर दीजिए। ये देखिए बॉर्डर पतला सा एक ब्लैक नुमा बॉर्डर यहाँ पे आ चुका है। अब ये बॉर्डर ब्लैक अच्छा नहीं लगेगा, तो यहाँ पे आप जाइए कलर पैलेट में, आप थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ से बॉर्डर को कलर करने के लिए कलर पैलेट में जाएंगे, और ये जो पहला वाला है ये बॉर्डर के लिए, इसमें क्लिक कर दीजिए, और यहाँ से आप कलर एक चूज़ कर लीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने रेड चूज़ कर लिया, ये देखिए मैंने रेड चूज़ किया है, देखिए रेड बॉर्डर यहाँ पे दिख रहा है। आपको देखना होगा कि फ़ोटो के साथ ये रेड बॉर्डर मैच कर रहा है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये जो बॉर्डर है थोड़ा पतला है, और थोड़ा इसे थिक करना है, मोटा करना है, उसके बाद एलिमेंट में जाइए, यहाँ पे स्ट्रोक है, स्ट्रोक में जाके यहाँ पे देखिए, अगर आपको पसंद नहीं आता है यहाँ से ये वाला, तो आप 8 वाला पॉइंट भी चूज़ कर सकते हैं। अब देखिए 8 वाला पॉइंट मैं चूज़ करता हूँ, देखिए ये अच्छा लग रहा है, देखिए थोड़ा बॉर्डर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अगर बॉर्डर आपको लगता है कि फ़ोटो के ऊपर ज़्यादा हो गया, या फ़ोटो को आपको लगता है, ये देखिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि साइज़ मैंने बहुत बड़ा ले रखा है, ये देखिए इसको थोड़ा सा हल्का सा आपको इसको एडजस्ट करना होगा, हल्का लेफ्ट राइट, ये देखिए ऐसा आ गया। अगर बहुत बड़ा ऐसा होता होगा कि ये जो फ़ोटो है ये बॉर्डर के ऊपर चला गया, तो बॉर्डर को क्लिक कीजिएगा और एलिमेंट में जाइएगा, अरेंज में जाइए, यहाँ पे टू ब्रिंग टू फ्रंट कर दीजिएगा, तो क्या होगा, ये जो बॉर्डर है आपका किनारे वाला, ये ऊपर आ जाएगा, फ़ोटो से ठीक ऊपर आ जाएगा। थोड़ा सा हल्का सा फ़ोटो को मैं इधर मूव करता हूँ, देखिए मशीन मेरा थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है, क्योंकि इतना बड़ा साइज ले रखा है, इसलिए थोड़ा फोटोशॉप में प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसको थोड़ा सा हल्का सा हम लोग यहाँ से यहाँ पे इसको मिला देते हैं, ये देखिए यहाँ पे आ चुका है, ये देखिए फ़ोटो यहाँ पे ठीक है। तो थोड़ा हल्का सा एरो की से आप थोड़ा सा इसको फ़ोटो को मूव कर सकते हैं हम लोग, ये देखिए मैंने मूव कर दिया। अब देखिए थोड़ा सा समय ले रहा है बार बार, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने यहाँ पे एरो की से थोड़ा सा बॉर्डर को मूव किया। तो इस तरह आप फुल साइज़ का फ़ोटो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। राइट क्लिक करते हैं, थोड़ा फिट इन विंडो, थोड़ा साइज़ 50% कर देता हूँ, जिससे आप देख पाएँ अच्छी तरह से। ये देखिए ये हैंड टूल पे क्लिक किया, थोड़ा सा इसको मूव कर देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए पिक टूल पे क्लिक करते हैं, ये देखिए देख सकते हैं फुल साइज़ का फ़ोटो ये इस तरह बन के तैयार हो चुका है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर पाइएगा, इसमें अगर कलर वगैरह आपको करेक्शन करना है, या रीटचिंग करना है, या थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाना है, तो इसमें पेज मेकर में वो ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ आप बॉर्डर लगा सकते हैं, इसका थोड़ा सा क्वालिटी जैसे मैंने आपको बताया उस तरह आप सही कर सकते हैं। बाकी इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप पेज मेकर में ना बना के फ़ोटो से रिलेटेड काम ना ही करें, सिर्फ आप डिज़ाइनिंग रिलेटेड काम करें,
तो बेस्ट रहेगा। और फ़ोटो को आप फुल साइज बनाना है या कुछ भी करना है तो फोटोशॉप का यूज़ करें, उस रिलेटेड मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल बना रखे हैं। आप मेरे चैनल में जाइएगा, वहाँ पे फोटोशॉप का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, बहुत कुछ जान पाइएगा फोटोशॉप से रिलेटेड। तो ऐसे फ़िलहाल जैसा आपने कहा है इसलिए मैंने यहाँ पे ये ट्यूटोरियल बनाया है। तो इस तरह आप फुल साइज़ का फ़ोटो आप बना सकते हैं, सिंपल है, बहुत आसान है। और भी कुछ जानना चाहते हैं फोटो पेज मेकर से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।